हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव पर स्वागत है। आइए जानें किसान ताजा समाचार। मध्य प्रदेश सरकार किसानों के द्वितीय चरण की कर्ज माफी शुरू करने जा रही है और द्वितीय चरण कर्ज माफी के साथ किसानों को गेहूं का बोनस भी देने जा रही है, सरकार ने ऐलान किया है। जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। 13 दिसंबर 2019 का अपडेट है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। मध्य प्रदेश में किसान कर्ज माफी का दूसरा चरण 17 दिसंबर 2019 से शुरू होगा। 50,000 से 1,00,000 रुपये तक के कर्ज माफ होंगे। 17 दिसंबर को कमलनाथ सरकार का एक साल पूरा होने वाला है। इस दिन से सरकार किसान कर्ज माफी का दूसरा चरण शुरू करेगी। इस चरण में 50,000 से 1,00,000 रुपये तक के जिन किसानों के कर्ज हैं उनके कर्ज माफ किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि किसान कर्ज माफी का दूसरा चरण 17 दिसंबर से शुरू होगा। इस चरण में 50,000 से 1,00,000 रुपए तक के कर्ज माफ किए जाएंगे। मंत्री पीसी शर्मा ने गुरुवार को मीडिया से चर्चा करते हुए यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 17 दिसंबर को कमलनाथ सरकार का एक साल पूरा होने वाला है। इस दिन से सरकार किसान कर्ज माफी का दूसरा चरण शुरू करेगी। इस चरण में 50,000 रुपए से 1,00,000 रुपए तक के जिन किसानों के कर्ज हैं उनके कर्ज माफ किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 50,000 रुपए तक के कर्ज माफ हुए हैं। अब तक 21,00,000 किसानों का कर्ज माफ किया जा चुका है और प्रदेश में लगभग 55,00,000 किसानों के कर्ज माफ करने हैं। सरकार ने 2,00,000 रुपए तक के कर्ज माफ करने की बात कही थी और द्वितीय चरण में सरकार ने यह कहा था कि 50,000 से 2,00,000 रुपए तक के कर्ज माफ किए जाएंगे, लेकिन अब यहाँ खबर आ रही है कि 50,000 रुपए से 1,00,000 रुपए तक के कर्ज माफ होंगे 17 दिसंबर से। सरकार ने यह भी कहा है कि किसानों की लोन माफी का दूसरा चरण के साथ किसानों को जल्द दिया जाएगा गेहूं का बोनस। गेहूं के बोनस के लिए सभी किसान काफी महीनों से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यह खबर सुनकर आप लोगों को राहत मिलेगी। किसान लोन माफी का दूसरा चरण शुरू होने के साथ मध्य प्रदेश सरकार किसानों को गेहूं का बोनस भी देने जा रही है। वर्ष 2018 में राज्य सरकार की तरफ से शुरू की गई जय किसान फसल ऋण माफी योजना का पहला चरण पूरा हो गया है। पहले चरण में 20,22,731 पात्र किसानों के 7,154,36,00,000 रुपए के कर्ज माफ किए गए हैं। यहां पर ध्यान रखना होगा कि लोन माफी केवल सहकारी बैंक के 50,000 रुपए वाले किसानों का ही हुआ है। दूसरे बैंक तथा 50,000 से अधिक का लोन माफी दूसरे चरण में किया जाएगा। शीघ्र प्रारंभ किए जा रहे हैं दूसरे चरण में 12,00,000 से अधिक ऋण खाता धारक पात्र किसानों के कर्ज माफ। किसानों को जल्द ही दिया जाएगा बोनस। प्रदेश में 5 मार्च 2019 को जय किसान समृद्धि योजना लागू की गई है। इस योजना में रबी सीजन 2019-20 के लिए कृषि उपज मंडी और ई उपार्जन केंद्र के माध्यम से किसान द्वारा विक्रय किए गए गेहूं पर 160 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। राज्य सरकार ने कुल 92,67,000 मीट्रिक टन गेहूं विक्रय करने वाले कुल 11,79,000 किसानों को 1,463,42,00,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने की पुख्ता व्यवस्था कर ली है। अब देखते हैं सरकार 17 दिसंबर से यह दोनों काम करने जा रही है या नहीं। तो इस प्रकार से अपडेट था किसान कर्ज माफी तथा गेहूं के बोनस को लेकर। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपके काम की खबर के साथ। तब तक के